their talent. So Nai Uran is about that. He started this, like this is the 8th edition, he started it, you know, on his birthday. This, the first show was on his birthday, and this is such a wonderful thing. You know, we have such wonderful talent, singers all out there, and he's actually giving them this wonderful chance to come up, show their talent to the people, to the students who are here, to the fraternity, and to the audience. So it's a lovely thing. Also international, also you can say any singer you like. Thank you. Thank you so much. Thank you. Delighted to be here because this is a truly wonderful initiative by none other than Padma Shri Kailash Kher ji, and very often it's not easy for young artists, especially folk artists, to get into the bigger playing field. So he's given a wonderful platform called Naive Daan, and we are very grateful to be here to listen to some incredible young talent, and best wishes to Kailash Kher Entertainment, to all the sponsors and all the partners and media partners. Congratulations and best wishes. आज सबसे पहले तो मैं कैलाश जी को इस नई उड़ान का जो ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये 8th एडिशन है और इतना अच्छा कर रहे हैं, न्यू टैलेंट्स को चांस मिल रहा है, इतना प्रोत्साहन मिल रहा है. तो मैं ऐसे एक कॉन्सेप्ट जो क्यूरेट किया है कैलाश जी को, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ. और जो भी आने वाले न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया पार्टनर्स को सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. चीफ गेस्ट तो क्या है, मगर दोस्त ने इतने प्यार से बुलाया है, तो चीफ गेस्ट हो ना हो आना बहुत ज़रूरी है. और कैलाश जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और आज नई उड़ान की ये 8वीं पायदान है, और नए टैलेंट को लोगों के सामने लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जो कैलाश जी बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत बखूबी कर रहे हैं. और चूँकि खुद सारे दुनिया में घूमते रहते हैं, तो टैलेंट को अगर जहाँ पे भी नज़र आता है वो उसको यहाँ बुला लेते हैं और उसको ट्रेनिंग कराते हैं. हमारे आने वाले वक्त के लिए एक बहुत अच्छे कलाकार कैलाश जी दे रहे हैं, और जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगा. नई उड़ान की 8वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कैलाश जी को. हम उनकी परिवार के सदस्य के नाते आए हैं यहाँ, और बहुत खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम भी संगीत की एक संस्था चलाते हैं आजीवासन के नाम से, और हमें पता है कि जो नए टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको मौके का कितना इंतज़ार होता है. और
कैलाश जी जैसे इतने बड़े कलाकार, इतना बड़ा स्टेज देते हैं, इतना बड़ा मंच देते हैं उनको, आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं होती, बड़े दिल वाली बात है। तो कैलाश जी को बहुत शुभकामनाएँ और आज के सारे कलाकारों को भी हमारी तरफ बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा, इसमें ज़रा भी शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। कैलाश जी का हमेशा जज्बा सही जगह रहा है, पहले से भारतीयता, हिंदी भाषा, इन सब का उन्होंने प्रचार या फिर इस्तेमाल किया है अपनी बोली में, हमेशा भारतीयता उनकी झलकती है। और इसीलिए नई उड़ान की जो आठवीं एडिशन है, इसमें हमेशा की तरह नए कलाकारों को मंच दे रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि नए बच्चे बहुत ही गुणी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मंच नहीं मिलता, कहीं छोटे छोटे कैरियोके ग्रुप्स में स्ट्रगल करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है कैलाश जी का, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। वी हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ कैलाश एंड वी नो वट एवर ही डज इट इन स्टाइल, एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं, इनफैक्ट मैं अभी राजस्थान में इस तरह का एक शो करके आ रही हूँ, लेकिन अपने पैशन के साथ और इस तरह से नए बच्चों के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देना और इंडस्ट्री के सारे लोगों को बुलाना और टू बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीज किड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कैलाश जी ऑल द बेस्ट, मे ऑल दीज किड्स सी ऑल द सक्सेस, थैंक यू। बस वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ पे कोई किसी को प्रमोट करता नहीं है, कोई भी नहीं करता है। आई हैव सीन बिगेस्ट ऑफ सिंगर्स, लेकिन बट कैलाश इज डूइंग दिस इज अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक दिस इज द एट्थ ईयर, 8 साल से ये चल रहा है एंड ये अपना इट इज़ हिज पर्सनल इंटरेस्ट दैट ही प्रमोट्स दीज न्यू सिंगर्स, इट्स अ ग्रेट थिंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिंगर्स एंड कैलाश। नई उड़ान एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अपकमिंग टैलेंट को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एंड आई बिलीव दे आर ऑल कैलाश केस प्रोडिजीज। सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दीज सीइंग दिस शो और उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, ताकि मुझे हमेशा खोज रहती है कुछ ऐसे म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट की, जिनके साथ मैं भी कोलैबोरेट कर सकूँ। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म और आज मैं भी बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है मीत ब्रदर्स के साथ, हीर है रोई। सो आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, तो आज इसी को नई उड़ान के साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी यहाँ पर। आई थिंक कैलाश जी और मेरा जो बॉलीवुड का करियर है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, वो साथ में शुरुआत है, फिल्म वैसा भी होता है पार्ट टू में, जहाँ पे उन्होंने अल्लाह के बंदे गाया था और मैंने सजना अभी जा गाया था, और मेरा फेवरेट सॉन्ग उस फिल्म का अल्लाह के बंदे था, एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट कैलाश जी ऑल्सो लव माई सॉन्ग सजना अभिजा, सो आई विल सिंग माई सॉन्ग सजना अभिजा फॉर कैलाश जी। नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा हाय, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना आ भी जा, सजना आ ही जा, तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी शिवानी। थैंक यू सो मच। साथ जुड़ना हो गया भारत का अमृत कलश में, और अब जो है नई उड़ान को होस्ट कर रहा हूँ। आज की शाम जो है बहुत ही कमाल की शाम रहने वाली है, क्योंकि आज की शाम जो है वो वाकई मनोरंजन भरी
और देश की मिट्टी की खुशबू जो है यहाँ के गायकी से आने वाली है। कैलाश जी आ गए। कैलाश जी प्रणाम। जी हाँ, सो वैसे भी कैलाश जी के गानों में जो है देश की मिट्टी की खुशबू आती है, तो आज वही बिखेरने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। पिछले 8 वर्षों से होता आ रहा है, ये 8वां साल है, तो बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और कैलाश जी के आशीर्वाद से जो है हम भी जो है थोड़ी कोशिश करेंगे कि उनके सानिध्य में रह करके थोड़ा टैलेंट उनसे लेकर के थोड़ा बिखेरेंगे हम भी। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ कैलाश जी। जी बहुत ही प्यार मिला लोगों का, बहुत ही प्यार मिल रहा है। और जब भी आप कुछ नया करते हैं तो नया करने में बहुत सारे संदेह होते हैं, संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, पता नहीं ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और ख़ास तौर से तब जब आप नेकी करते हों, जब आप भलाई के कार्य करते हों, जब आप समाज में कुछ नया ऐसा कार्य करते हों जिससे समाज को इंस्पायर कर सकें, समाज को प्रेरणा दे सकें, उसमें बड़े रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बुराई आप करें तो चार लोग आपके साथ हो लेंगे, लेकिन भलाई के काम जब आप करें तो बहुत सारे पहले निंदक आते हैं। अच्छी बात है निंदक आना, परंतु भगवान की हम पर अनंत कृपा हुई है कि हमारे इस नेक काम में हमारे दर्शकों का, हमारे प्रशंसकों का, हमारे फैंस का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और देखते ही देखते नई उड़ान अपनी एक अलग तरीके से स्तर पे बढ़ रहा है। मतलब ये समझिए कि इस साल तो इतनी सारी चीज़ें हुई कि हम किसको चुने, किसको न चुने, किसको सुने, किसको न सुने, ऐसा हो गया। तो जब आपका दायरा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए आप पर भगवान की कृपा बढ़ रही है। वैसे तो देखिए बहुत सारे रत्न हमको मिले हैं और धीरे धीरे वो आपके भी चहेते हो गए हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स आप जैसे बहुत हो गए हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए भंडारा शुरू किया, 1000 लोगों के लिए आपने भोजन की व्यवस्था की कि भाई 1000 के करीब का तो मैंने काम कर लिया है, आ गए 2000, तो 2000 को भी आप ऐसे तो भेजेंगे नहीं खाली। तो भगवान की कृपा ये है कि इतने टैलेंट आ रहे हैं, तो देखते ही देखते हम एक दो को फेवरेट बोलने की बजाय अब 20 या 30 कम से कम हमारे फेवरेट हो चुके हैं। और उनके अपने भी फॉलोइंग हो रही है, अपने उनके एल्बम्स बन रहे हैं। क्या होता है कि नॉन फिल्म म्यूज़िक में और फिल्म म्यूज़िक में बहुत तगड़ा गैप है, तगड़ा इतना कि फिल्म का गाना एक किसी के हिस्से में आ जाए और बेचारे ने नॉन फिल्मी 100 गा रखे हों, 100 की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अचानक उसका फिल्म में आना एक बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्म की दुनिया अलग है। इसीलिए हमारा जो ये मिशन है, ये नॉन फिल्म म्यूज़िक को भी उतनी ही इज्जत के साथ लेके चलें, इसलिए इन कलाकारों को और मान मिलना चाहिए और प्यार मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है आप लोगों से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये हैं, इनके सामने मैं क्या कहूँ, इन्होंने किया है। और जिस दिन इन्होंने इसका आरंभ किया था तब से ही मैं इसको देख रहा हूँ और इनके प्रयासों को की सराहना कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पहले तो ये विचार मन में आना कि उड़ान को, जो उड़ान के पास पंख अपने होते हैं लेकिन जैसे ना विंड बीनीथ द एयर बीनीथ द विंड, वो जो उसको एक जिसे कहते हैं एक पुश चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वो संयोग से इनके मन में ऐसी भावना उपजी
और उन्होंने इस विचार को आगे रखा. बट दैट इज़ नॉट ऑल्सो फ्लैश इन द पैन कि एक बार हो गया और उसके बाद उससे कुछ लोकप्रियता मिल गई और आगे बढ़ गए, जो अक्सर हम देखते हैं. तो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इसको सस्टेन किया और उस उद्देश्य को भूले नहीं जिस उद्देश्य से इन्होंने इसको शुरू किया. तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि इससे और भी लोग जुड़ें. और जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य बहुत आवश्यक है. हम लोगों को जो है आतुर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं. तो वो आतुरता ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में छोड़ दें. कैलाश खेर सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए. तो मैं कहूँगा धैर्य रखें और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसा मैंने बताया अभी आपको कि फिल्म म्यूज़िक और नॉन फिल्म म्यूज़िक में बहुत गैप है, और भैया ने भी क्या गहरी बात बोली है. पद्मश्री प्रसून जोशी जी ने जब से ये प्रारंभ हुआ था नई उड़ान, तभी से मेरे साथ खड़े हैं. बड़े भाई, बड़ा हमसाया, एक बहुत ही हिमालय की तरह हमारे साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ साथ चल रहे हैं, हमारा वरद हस्त तुम पर है. तो वैसा होना ये भी परम भाग्य है, वरना कितने लोग आ जाते हैं यहाँ, इन्हीं शब्दों में अटके रह जाते हैं. हु इज़ योर गॉड फादर, हु इज़ योर गॉड मदर, हु इज़ योर गॉड ब्रदर. यहाँ गॉड अपने परमात्मा मेरे महादेव हैं, उन्होंने अपने गण भेज दिए कि ये ला तेरा बड़ा भाई है, ये संभाल लेगा सब. इन्होंने हमको पग पग पर उतार चढ़ाव सबके जीवन में बहुत आते हैं. यहाँ तो ईर्ष्या से भी कितनी सारी चीज़ें उगती हैं, परंतु उसमें भी जब कोई मेरुदंड बनकर आपके साथ खड़ा हो तो कितना प्यारा लगता है. ये हमारा प्रकल्प 2017 में प्रारंभ हुआ था, मेरे भैया तब से खड़े हैं. अच्छा, दिल्ली में हैं, इतने बिजी रहते हैं, विश्वाटन में रहते हैं, यात्राओं में रहते हैं. भैया बस आपको आना है. क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता नाइस टू मीट यू वाला नहीं है. हाय, नाइस टू मीट यू मैन, लेट्स कैच अप. हम लेट्स कैच अप वाले हैं ही नहीं. कैच अप तो आजकल बोतलों में मिल रहा है. तो भैया ने बोला कि हाँ, मैं शो के दिन दिख जाऊंगा. आप जैसे इन्होंने बोला तो अंदर तक तृप्ति थी कि अगर इनका मुख से ये बात आ गई तो ये होगा, क्योंकि बड़ों ने काटी कार लिकड़ी पारंपार, अगर इनके मुख से निकल गई बात तो वो ब्रह्म वाक्य होता है. तो ये हमारे साथ खड़े हैं, और ऐसे में साथ खड़ा होना ही शक्ति वर्धन होता है. देखिए, मैं कहता हूँ, कहते हैं गुड़ ना दे पर गुड़ जैसी बात दे थोड़ा. और यहाँ तो थोड़ा भी यदि सहारा कोई ऐसे आ जाए बड़ा बनकर अपने साथ में, तो अपनी ठाड़ हो जाती है. तो एक और एक 11 की शक्ति हमारे भैया ने हमें हमेशा दी और है. ये गुड़ की बात नहीं है, गुण की बात है. गुण की बात है. तो अगर गुण हो तो गुड़ मिल जाता है. बिल्कुल. और बच्चों के लिए आजकल के मैं यही कहता हूँ कि एक आसमा कम पड़ता है और आसमा मंगवा दो. एक आसमा कम पड़ता है और आसमा मंगवा दो. हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंग वाले, मेरे दाता है बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंग वाले. स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो. निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो. वो मेरे दाता, वाह जी वाह, वाह जी वाह. भोले चले, भोले चले बम 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 बम, भोले चले, भोले चले बम 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 बम. तारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम. ओम गुंजार चले, हूं हूं कार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम. भोले चले, भोले चले बम 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 बम, भोले चले, भोले चले बम बम बोल बम. एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया.
लेकिन कैलाश भाई जब चलते हैं तो अकेले ही चलते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो अपने भक्तों को इतना समर्थ कर देते हैं कि जब वो चलते हैं तो पूरे कारवां की तरह चलते हैं। तो ये जो नई उड़ान है ख़ासतौर से, जिसका आज 8वां एडिशन है कैलाश भाई, और जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, बहुत बड़ी संस्था होती है जो काम करती है किसी एक मिशन को लेकर, लेकिन हम कैलाश भाई की ये ख़ूबी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, और अक्सर ऐसा होता है कि शिखर पर पहुंचकर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उन कम कलाकारों में हैं जो इतनी ऊंचाई पर, इतने शिखर पर, कैलाश की चोटी पर पहुंचकर भी ये अपने अंदर एक जज्बा ज़िंदा रखे हैं कि जो पीछे पीढ़ी आ रही है गायकों की, वो भी इनके बराबर आकर खड़ी हो सके। तो ये जो अपने बराबर जगह देने का एक बड़कपन है, ये कम कलाकारों में होता है और वो कैलाश भाई में है। तो मैं ये तमाम जो लोग यहाँ आए हैं अपने फ़न को लेकर, अपनी कला को लेकर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनको कैलाश खेर जैसा, पद्मश्री कैलाश खेर जैसे मेंटोर मिल रहे हैं, और ये नई उड़ान का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से उनकी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे कवि हैं, बहुत प्यारे साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, साधक हैं। इनके मुख से यदि ये बात आई है, क्योंकि गायकों ने पहले कभी गायक लॉन्च किए नहीं, संगीतकारों ने कभी पहले गायक ऐसे लॉन्च किए नहीं नॉन फिल्मी, और कभी ऐसा किसी ने किसी का हाथ पहले कभी थामा नहीं, तो ये एक परंपरा निकल पड़ेगी। मैं यही परमात्मा से बोलता हूँ, ईच वन टीच वन। अगर आप पढ़ जाएं तो किसी और को पढ़ाएं, आप छक जाएं तो किसी और को छकाएं, तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती। भंडारे कैसे अब चलते हैं, हमारे यहाँ परंपराएं कैसे बन गए भंडारों की, लंगर की, क्योंकि कहीं एक शुरू हुआ होगा, अच्छी बातों का प्रभाव होता है, प्रेरणाएं होती हैं, बस वो धीरे धीरे। अब देखिए विदेशों में भी, आप अंटार्कटिका में भी अगर कहीं मनुष्य रहते होंगे तो वहाँ भी कोई ना कोई हमारे संस्था के, हमारे परंपराओं के लोग पाए जाएंगे। पता लगा वहाँ भी कोई गुरुद्वारा बना है, वहाँ भी लंगर चल रहा है। तो दुनिया के हर कोने में जहाँ भी मानव गया है हमारे भारत का, वो अपनी मानव संस्कृति लेकर गया है, और इसी तरह से हम श्रृंखला बनाते हैं अच्छे कार्यों की। हरिओम। कंसेप्ट वेयर यंग टैलेंट्स मीट स्टेज वेयर दे गेट टू enhance their performances, and this is the 8th edition, and I'm sure there have been lot of new talents and upcoming stars coming from Nayi Udaan, and I am also a part of Kailash ji's khoj, you guys can say. It's been 12 years I started my journey with him on Rock On, and this Nayi Udaan has given a lot of new artists and new talent, which I can say they are amazing, and they are from every part of India. Even I have seen there are few from abroad as well, so it's an amazing thing, and it's a great concept and a super thing for an artist, for an upcoming artist or a emerging artist. Thank you. You sent up? Yeah? How are you? You sent me a message today? Not today. Someone sent me a message. I'll be checking how far are you. Ready? Ready, rolling? Yes. Yeah, it's definitely, you know, a great thing to do for an artist who's achieved so much, and not to forget his roots, how he came to the industry, and wo jo de rahe hain sabko ek opportunity, wo sabko karna chahiye. This is the sign of a great artist, and jiske wajah se hum har saal aate hain, almost har saal aaye hain last 3-4 years se, and it's nice that you know we get to also see a lot of new talents, jo naye singers hain उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हमको उनको देखने का मौका मिलता है, जो आई थिंक यू नो इट्स अ
great occasion to be, and an 8th edition, which is great. And also unka janamdin ka ye, how better to, you know, celebrate a birthday. एक गाना थोड़ी ना, अब ये सवाल अब जवाब नहीं देंगे इतने सालों बाद, लेकिन ये बहुत सारे गाने उनके पसंद हैं हमें. ये गाने जो है, आई थिंक वो रह जाने वाला गाने है फॉर मेनी जनरेशंस. बी द वे ही सिंग्स, बी द कॉम्पोजिशन, बी द कंटेंट जो गाए हैं, जो जिस तरह के गाने हैं, वो आई एम श्योर कि नए जनरेशन भी इंस्पायर्ड होंगे कि ऐसे गाने बनाते रहे. ओके, थैंक यू सो मच. और दूसरी तरफ है तपोषदा. ही गेट्स मेड फन ऑफ अ लॉट, आई मस्ट से. आई एम सॉरी तपोषदा, बट इट्स टू मच फन हैविंग फन विद यू मैन. जब मैं तो कोलकाता से आया था और मैं कभी उसको पहले हिंदी बोला नहीं था, मतलब मुझे बोलने का जरूरत नहीं था. कोलकाता में काम करता था तो मेरा जो हिंदी बंगाली हिंदी जो है ना, वो लेकर बैंड में बहुत मस्ती करता था नरेश परेश. बाकी साथ साथ में दूसरा म्यूजिशियन में जुड़ जाता था, मैं एंजॉय करता था. कभी गुस्सा भी आता था कभी कभी, लेकिन मैं कभी देखा है नहीं उन लोगों को. There were many times where Kailash ji was going through a tough time. There were times where his health, उनका हेल्थ बहुत बिगड़ गया था और अस्पताल भी जाना पड़ा. उनके साथ दूसरे तीसरे दिन में डेट्स था, हम लोग को शोज भी करना था, लेकिन आई वॉज अमेज्ड एंड आई फेल्ट सो मच ऑफ प्राइड कि मैं ऐसा आदमी के साथ जुड़ा हूँ जो अभी अभी उनका पूरा स्टमक यहाँ से नीचे तक स्टिचेस से भरा था. उन्होंने मुझे दिखाया कि बैंडेज सब लगाया, लेकिन वो रात वो शो पे ऐसा कूद के ऐसा गा रहा था कि ऐसा लगा कि उसका एनर्जी स्पिरिट कहीं अलग जगह से आ रहा है. एंड वो कुछ सालों के बाद ही पता चला एक्चुअली कि हम सब अलग अलग शहरों से आए हुए हैं. तपोषदा कलकत्ता से आए हुए हैं, कैलाश जो हैं दिल्ली के हैं, फिर परेश शर्मा बॉम्बे के हैं, कर्ट चेन्नई से आया हुआ है. तो हमने पहले सोचा नहीं था और शायद अलग दूसरे बैंड्स में भी होता होगा, ये आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट द फैक्ट इज़ दैट कि हम सब अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, हम साथ में म्यूजिक कर रहे हैं, तो बनते बनते एक्चुअली व्हेन यू थिंक ऑफ इट, इंडिया का साउंड है इसमें. एंड दैट इज़ आई थिंक समथिंग दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो है सारे शहरों में ऑल ओवर इंडिया हमको जो प्यार मिला है.
से अच्छा म्यूजिक करें और आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें. सो प्लीज ब्लेस अस. भाई वाकई कैलाश जी के गानों में जो है मिट्टी की खुशबू आती है. आप अगर छोटे गांव कस्बों में जाएं और वहां पर आप हीरे मोती ये कहें तो लोग सैया तक छोड़ करके आते हैं. ये इनके गानों की शुद्धता है, इनके गानों के लिए वो प्यार है. 19 साल का सफर 15 मिनट की वीटी में दिखाना इतना आसान नहीं है. वो स्ट्रगल, वो प्रिपरेशन, एक म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट किस टेम्परामेंट से होकर के गुजरता है, ये अपने आप में जो एक अनोखी बात है. कैलाश जी के लिए, कैलाशा बैंड के लिए भाई जोरदार ताली. आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज यहां इस मंच पर होने वाला बहुत अद्भुत कार्य होने वाला है. जी हां, जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो वाकई उनके गानों में भारत बसता है. कैलाशा बैंड के लिए, हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं, जितनी टीम है, उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां. भाई 19 साल से ये सफर जारी है और 19 साल से इनके गाने जो हैं वायरल हैं कैलाश जी के. और यहां पर जो हमारी पहली परफॉर्मेंस होने जा रही है, वाकई वो भी जो है नई उड़ान के साथ में जो है आगे बढ़ रहे हैं और उनके गाने भी जो है वायरल हो रहे हैं. मैंने अभी अपना इंस्टा प्रोफाइल देखा, मेरे 1,00,000 फॉलोअर्स और सामने वाले के 1,000,000. मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या और करना चाहिए जिससे कि मेरे फॉलोअर्स भी बढ़े. आइए उन्हीं से जानते हैं. सो बुला लेते हैं, प्लीज वेलकम ओडिशा से बरनाली होता और दिल्ली से अनन्या शर्मा. आ जाओ प्लीज हमारा जी. पहले यहाँ उपस्थित सभी जनों को जय जगन्नाथ नमस्कार. जो गाना है वो वी वुड लाइक टू कीप इट अ सरप्राइज. अरे वाह. बट यही बताना चाहेंगे कि सर के एक बहुत ही प्यारे और फेमस गाने के साथ हमने कुछ अंश ओडिया फोक के उसके साथ फ्यूज किए हैं. एंड मैं जहाँ से आती हूँ ओडिशा, ओडिया फोक, एंड अनन्या दिल्ली से हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ अंश हमने उसके साथ फ्यूज किए हैं. एंड आई रियली होप कि सभी को बहुत अच्छा लगे. आप ओडिशा से हैं, ये दिल्ली से लग नहीं रही इनकी सेहत देख करके. आजकल लड़कियां कुछ खाती नहीं है, हैं? दिल्ली से हो पक्का? जी सर. प्रॉपर? जी जी. चलिए बताइए कि फिर जो है मेरे को बताइए कि मैं थोड़ा सा आपसे ईर्ष्या कर रहा था. वो क्या है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है और इनके फॉलोअर्स जो है 1,000,000 में, कमाल है. कैसे 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 अचीव किया जाता है बताइए जरा. स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है विच कनेक्ट्स अस टू जगन्नाथ जी एट द एंड ऑफ द डे. एंड वही मैंने करने की कोशिश की है. एंड जैसे कि आपने भारत का अमृत कलश को भी मेंशन किया, बाय जगन्नाथ जी इज ग्रेस जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई ज़्यादा गुना प्यार मिला. सबको बहुत अच्छा लगा. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ हमारे जो जैसे एक फॉर्म है कोरापुटिया फोक, वो एक बट कोरापुटिया हो गया. गंजाम एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ का एक फोक फॉर्म हो गया. पीपल हैव स्टार्टेड टू फाइंड आउट द सॉन्ग्स एक्चुअली जो ऑलमोस्ट दे वो लाइक एक्सटिंक्ट आई कैन से. सो उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश की एंड दे हैव लव्ड द फैक्ट कि हमने उसको एक मॉडर्न टच देने की कोशिश की. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू each and everyone from the team Bharat Ka Amrit Kalash, each and everyone who gave so much love. So hamare musicians tayar hain, aap log bhi tayar hain, lekin before I 15 minute ke andar andar aapki nazron ke samne aa gaya to main chahta hu ki aap jab ye VT dekh rahe the to zahir baat hai nostalgia aa raha hoga to bataiye kuch. तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि 19 वर्ष हो गए हैं कैलाशा को जी, क्योंकि इस स्पीड पे दुनिया की रेल बनती है, हमारा रॉकेट बना रखा है बाबा ने, दे सब कुछ रखा है. कह भी रहे हैं मेरे महादेव प्रसून भैया कि दूंगा सब कुछ, बस वक्त नहीं दूंगा. तो पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है. चलिए बहुत बढ़िया. तो कैलाशा बैंड संसार में, अब मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा, मीडिया जी आपने तो ले लिया ना काम का माल, अब मैं इधर उन्मुख होकर बात करता हूँ. परंतु
5 मनुष्यों से प्रारंभ हुए और आज 16 हैं और लगातार बस बढ़ रहा है परिवार कैलाशा। तो जैसा कि नरेश ने, परेश ने, कर्ट ने, तापोश ने बताया कि अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग सबके जीने के ढंग होंगे, सबके विचार अलग होंगे। उसके बाद भी और एक विशेषता मैं बताता हूँ, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जितने भी भले घर का ही मनुष्य हो, मान लीजिए दो भाई बहन भी हों, दोनों गायक हों, हल्की सी जेलेसी आती है क्रिएटिव लोगों में। क्रियात्मकता स्वयं एक, जैसे ये फल मुझसे बड़ा काहे है, छोटा फल बड़े से पूछ रहा है, सोच रहा है मन ही मन, यार ये संतरे पे बड़ी ध्यान जा रहा है सबका, जो भी आता है इसको टटोल के देखता, हम ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तो छोटा संतरा बड़ा संतरे को देखकर हल्का सा ईर्ष्यालु रहता है कि तेरा बड़ा तो आजकल ध्यान मारा जा रहा है सबके द्वारा। बस एक ही निवेदन मैं करूंगा आप सबसे, फिल्मी संगीत और नॉन फिल्मी संगीत का गैप बहुत बड़ा है, इस गैप को आप कम करिए। फिल्मी संगीत भारत का 2% संगीत है जिसने पूरा आपको हर लिया, प्लीज उतना ना हरने दीजिए अपने आप को, थोड़ा नॉन फिल्मी म्यूजिक की तरफ भी ध्यान दीजिए, वो आप हैं, सब आप हैं, आपकी प्रेरणाओं से हम गाने बनाते हैं, आपकी प्रेरणाओं से संगीत उठता है, हम जो भी हैं वो आप हैं, आप ही का एक पर्याय है, प्रतिबिंब है। तो कृपया आप अपने आप को विमट होने मत देना, विनष्ट होने मत देना, बस ऐसे ही लगे रहिए, आशीर्वाद की ऐसी बहारें फैलाते रहिए हमारी ओर कि हम ऐसा, लोग पूछते हैं कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मैं कहा आपसे मिलती है, जितनी उत्सुकता आप दिखा रहे हैं बस उसी से हमारा गाना बन गया। तो ऐसे प्रकार से ही रहिएगा, बस आप हमारा फ्यूल बनिए, हम दीपक बने रहेंगे आपका। हरिओम। बहुत बढ़िया खाना जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, क्या धन्यवाद है, आज आगे देखिए होता है क्या, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अनन्या के लिए कैलाश जी का ना अपना एक म्यूजिक स्टूडियो है, इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम जो है कला था, यही रोड पे है, मैं वहाँ गया था, 4-5 लोगों ने मुझे पहचाना, धक्के देकर के बाहर कर दिया। फिर मुझे उनको कुछ वीडियो दिखाना पड़ा भारत का अमृत कलश का, मैंने कहा हे देखो मैं यहाँ होस्ट हूँ, हमारे साहब का है इशू, मैंने कहा साहब पहचान ले मुझे नहीं, तो कहा नहीं, मैंने कहा फिर भी मुझे अंदर जाना, चलो साहब का नाम मेरे तरफ वीडियो दिखाया तो मैं अंदर चला गया। अंदर गया, छोटा सा बच्चा, बहुत है, सो प्लीज काशी आ जाओ। ये मेरे लिए छोटा ही है, जिस तरह की मेरी हाइट है, थैंक यू सो मच जी, एक बार जोरदार ताली, थैंक यू, थैंक यू जी। कैलाश जी शो से पद्मश्री कैलाश के लिए एक बार और इन तरफ से जोरदार ताली होना है। भाई कैलाश जी बात है, शब्द तो पड़ जाते हैं जब ये बताना पड़ रहा है कि आपने जो है कितने लोगों की जिंदगी को जो है प्रभावित किया है अपनी गायकी से, और अब जो परफॉर्मेंस होने जा रही है ये बहुत ही कमाल की होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो एक हमारी जो महिला है, मोहतरमा है, वो भारत का अमृत कलश में आई थी और बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, घूंघट ओढ़े घबराई घबराई।